उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश के हर औद्योगिक क्षेत्र में एक बिजनेस प्रमोशन सेंटर खोलने के प्रयास किए जाएंगे। रविवार को उद्योग मंत्री और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला के शोघी में बिजनेस प्रमोशन सेंटर का उद्घाटन किया। जो हमारे को रिलीफ पैकेज कल मुख्यमंत्री जी ने 4,500 करोड़ रुपए का किया है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि। और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ऐसा पैकेज कभी भी, जब हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है, ऐसा नहीं हुआ है। पहले हमारा जो रिलीफ मैनुअल था उसमें अगर कोई घर डैमेज होता था तो उसको 1,20,000 मिलते थे, और वो 1,20,000 में कोई किसी का घर नहीं बनता था। उस राशि को बढ़ा करके 7,00,000 कर दिया गया है। ऐसे ही जो है, जहाँ पे पार्शली डैमेज हाउसेज होते थे, क्रैक्स होते थे, उसको नाम मात्र 10-15 हज़ार रुपये मिलते थे, आज उन घरों को 1,00,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। और चाहे वो एग्रीकल्चर ज़मीन है, चाहे हॉर्टिकल्चर ज़मीन है, और भी जो भी नुकसान होता है, जैसे पशु की डेथ होती थी तो पहले 35,000 मिलता था, आज वो राशि बढ़ा करके जो है वो 55,000 कर दी है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमको केंद्र से अभी तक जो पैसा है वो NDRF में केवल 200 करोड़ रुपये मिला हुआ है, बाकी जो हिमाचल प्रदेश को आया है वो हमारा हक है, वो हमको मिलना ही मिलना था। और 180 करोड़ एक बार आया है, वो हमको जो है बरसात होने से पहले मिलता है। 180 करोड़ जो हमको दिसंबर में मिलना था वो हमको एडवांस में मिला है, और 189 करोड़ जो हमको मिला है वो पुराना पैसा जो हिमाचल प्रदेश का ऑडिट पैरास की वजह से पिछले कई सालों से रुका हुआ था वो हमको मिला है। विधानसभा के अंदर जब मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव पेश किया कि हिमाचल, ये आपदा, हिमाचल की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और पैकेज के रूप में पैसा मिले, भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया। और एक बहुत बड़ी दुखद घटना है, ऐसे समय में भी भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के लोगों की भावनाओं की और हिमाचल प्रदेश के लोगों जो संकट के दौर से गुजर, उस समय भी राजनीति करना उचित समझा, जो ये बड़ा निंदनीय है। हिमाचल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र की टीम्स यहाँ आई हैं, और उम्मीद करते हैं कि केंद्र हमें एक लिबरल और एक पैकेज के रूप में, राहत के रूप में हमको जो है पैसा प्रदान करेगा। कोशिश है कि हिमाचल प्रदेश में हर इंडस्ट्रियल एरिया में हम जो है बिजनेस प्रमोशन सेंटर जो है खोलेंगे। हमारे बद्दी बरोटी वाला में है, हमारे ऊना के बाथू में है, मगर जहाँ जहाँ नहीं है हम जो है वो उसको खोलेंगे। हमारी कोशिश है और हमारी प्राथमिकता है कि जो उद्योग है वो अंदरूनी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में आए, विशेष करके जो हमारे जो लोकल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे यहाँ मटेरियल, रॉ मटेरियल निकलता है वो आए। अभी शोघी में भी यहाँ एक बहुत कुछ, कोई 50-55 यूनिट्स हैं जो काम कर रहे हैं, और एक प्रोसेसिंग प्लांट टोमेटो का भी यहाँ पे कोई 18-20 करोड़ रुपए की लागत से कार्य कर रहा है। तो हमारी कोशिश है कि वे स्थानीय उद्योगों आए यहाँ पे, और अधिकांश हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो है वो बॉर्डर एरियाज़ पे है, क्योंकि रॉ मटेरियल भी बाहर से आता है, फिनिश गुड्स भी बना करके बाहर भेजनी होती है। मगर हम एक पॉलिसी बना रहे हैं ताकि उद्योग जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, इंटीरियर हिमाचल में आए, उनको हम अलग से इंसेंटिव जो है वो देंगे। मुझे अभी बहुत सारे लोगों ने, विक्रमादित्य सिंह जी ने भी मुझे कहा है कि यहाँ पे जो है 80% हमारा लक्ष्य है कि हिमाचल प्रदेश के इंडस्ट्रीज़ में 80% लोग हों। यहाँ इन्होंने मुझे कहा है कि बहुत कम लोग हैं। मैंने डिपार्टमेंट को कहा है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को और यहाँ स्थानीय लोगों को रोज़गार दिया जाए और उनको मिनिमम वेज दिया जाए। अभी यहाँ कईयों ने कहा कि 6,000 देते, किसी को 4,000 देते, कम से कम जो मिनिमम वेज निर्धारित हिमाचल सरकार द्वारा किया वो मिलेगा, निश्चित रूप से उसको मिलेगा, मैं इसकी छानबीन कराऊँगा। देखिए, जो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो रिलीफ पैकेज दिया है वो इस मुश्किल की घड़ी में मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है। और दुख इस बात का है कि विधानसभा सत्र में ये रेजोल्यूशन लाने के बाद सरकार द्वारा कि सब इसका समर्थन करें और केंद्र सरकार से जो 12,000 करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज मांगा गया था उसमें केंद्र से तो कुछ सहयोग आया नहीं अभी तक, और ना ही विपक्ष ने उसका समर्थन विधानसभा के अंदर किया। मैं समझता हूं कि जब कुछ ऐसे जब समय आता है उसमें हम सबको दलगत राजनीति से ऊपर खड़े होकर काम करना चाहिए। विपक्ष बाहर तो बहुत कुछ कहती है, मगर जब उसको करने की बारी आई विधानसभा के अंदर, अपनी कथनी को करने को, उसको उसको क्रम में बदलने की बारी आई, तो उन्होंने
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला झाड़ लिया और हमारे रेजोल्यूशन का समर्थन नहीं किया। उसके बावजूद विपरीत परिस्थितियों में 4,500 करोड़ रुपए का जो पैकेज मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया है, जिसमें 1,000 करोड़ रुपए मनरेगा के माध्यम से दंगे लगाने के लिए है, और उसके अलावा जो रिलीफ पैकेज घरों के जिनके घर पूरी तरीके से ग्रसित हुए हैं, टूटे हैं, कईयों के पाशली है, कईयों के काउशेड्स गौशालाएँ इसमें बह गई है, उन सब के लिए इसमें किया है। ये बहुत अच्छी बात है और अब हम प्रयास कर रहे हैं कि ये मौसम अब वापस ठीक हो रहा है, हम वापस एक सामान्य परिस्थिति की ओर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो सब लोग मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, सारे हमारे मंत्री के सहयोगी और सभी विधायकगण अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को फिर से बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हिमाचल को वापस हर दृष्टि से वापस पटरी पर लाया जाए, इन्वेस्टमेंट्स प्रदेश के अंदर आए, टूरिज्म बढ़े, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, पेयजल योजनाएँ बढ़े, शिक्षा का स्तर बढ़े, हर चीज़ से हिमाचल जिस तरीके से हमेशा नंबर वन पर रहा है, वहीं हमारा ये सोच है कि हमको हिमाचल को फिर से देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य हिमाचल को बनाना है। सर, आपने पैरवी की है कि डी कंजेशन अब शिमला का होना चाहिए, क्या सरकार इस दिशा में बढ़ेगी? नहीं, बिल्कुल बढ़ रही है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ही जाठिया देवी में जो है 1200 बिगा अक्वायर हुआ है और वहाँ पे जो है एक आपका रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स आने वाले समय में मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के सहयोग से बनने जा रहा है, जो करीबन 4-5 हज़ार करोड़ रुपए की उसमें इन्वेस्टमेंट होनी है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो वैसे ही पूरे क्षेत्र में जो शिमला की पेरिफ्रीज है, जिसको हम सैटेलाइट टाउनशिप्स कह सकते हैं, वहाँ पे इस तरीके के आने वाले समय में हमको चाहे वो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स है, चाहे गवर्नमेंट स्पेसेस है, चाहे आपके और टूरिज़्म से संबंधित प्रोजेक्ट्स है, वो लाने की आवश्यकता है, ताकि शिमला की जो खूबसूरती है वो बरकरार रहे। जैसा मैंने अभी अपने अभिभाषण में भी कहा कि मुझे दुख हुआ ये देखते हुए कि 600 पेड़ इस बारी जो है वो इस पूरे आपदा में कटे। कई तो ऐसे हैं जो 4-4 साल 5-5 साल पुराने दरख्त है देवदार के, तो निश्चित तौर से दुख होता है, मगर जब कोई हमारे पास उस समय कोई और कोई ऑप्शन नहीं था तो उनको घरों को सुरक्षित करने के लिए वो करना पड़ा, मगर इन द टाइम्स टू कम हमको शिमला शहर को डीकंजेस्ट करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि शिमला शहर जब बना था तो मात्र 20,000 लोगों के लिए बना था, आज 3 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन शिमला की है। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है जिसके ऊपर सरकार भी चिंतन मंथन कर रही है और इसको हम आने वाले समय में मिलकर इस पर अमली जमा बनाने का प्रयास करें। सर, इससे जुड़ा सवाल है कि बजट सत्र के दौरान भी एक नए शहर बसाने की बात हुई थी और उसको लेकर काम करने की बात हुई, हालांकि इसको लेकर जो बातें पहले भी सरकारों में हुई रही है, तो क्या अब जब आप रिवाइवल मोड में हैं तो उस तक देखिए, इसका ये कलेक्टिव एफर्ट होना है। मैं तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे है वो है, मगर ये इसमें चाहे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, मुख्यमंत्री जी का इसमें हस्तक्षेप रहेगा और आपका जो शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उनका भी रोल रहेगा। इट हैज़ टू बी ए कलेक्टिव एफर्ट, सब इस पे कार्य कर रहे हैं और इसमें कार्य हो भी रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट अर्बन डेवलपमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट का जाठिया देवी में आ रहा है, तो उससे निश्चित तौर से वहाँ पर रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ बनेंगी। तो ऐसे आस्ते आस्ते करके इसको हम लॉन्ग टर्म में अगले 10-15 साल 20 साल का ये प्रोजेक्ट बनेगा, जिससे शिमला को डीकंजेस्ट शिमला हो और वहाँ के जो पेरिफेरियल एरियाज है वो इसमें डेवलप हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।